हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिफरेंशियल कैलकुलेशन का लेक्चर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं और इसमें पढ़ने वाले हैं जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम। तो जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम होती है, वो क्या होती है, स्टेटमेंट है उसका, इफ एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स आर डिफाइंड इन ए बी सच दैट, यानी कि हमारे पास तीन फंक्शन है एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स, ये एक क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन है। किस तरह से डिफाइन है, इस इंटरवल में वो कॉन्टिन्यूस है, सेकेंड इस इंटरवल में ओपन इंटरवल में वो डिफरेंशिएबल है, देन तब हमारे पास देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट, यहाँ पे इस कंडीशन में ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो उसके बाद देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट, ये हमारे पास डिटरमिनेंट है एफ डैश सी जी डैश सी एच डैश सी एफ ए जी ए एच ए एफ बी जी बी एच बी इक्वल टू जीरो, ये होना चाहिए हमारे पास। और दिस थ्योरम इज आल्सो कॉल्ड डेडिकेशन ऑफ कोचीज मीन वैल्यू थ्योरम एंड लैग्रैन्ज मीन वैल्यू थ्योरम, यानी इस थ्योरम की हेल्प से हम कोची मीन वैल्यू थ्योरम एंड लैग्रैन्ज मीन वैल्यू थ्योरम को भी निकाल सकते हैं। तो हम पहले इसको निकालते हैं, इसको किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो फिर सबसे पहले हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स, ये फंक्शन डिफाइन करते हैं। इसको हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एंड एफ ए जी ए एच ए एफ बी जी बी एच बी। अगर फिर सब इस का हम सॉल्यूशन देखें तो इसका सॉल्यूशन किस फॉर्म में आएगा, इस जो डिटरमिनेंट है अगर इसका सॉल्यूशन हम देखें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ एफ एक्स बराबर ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स प्लस सी एच एक्स, जहां पे ए बी और सी जो है वो कॉन्स्टेंट है। क्या क्या कॉन्स्टेंट है, जैसे एफ एक्स से कंपेयर एफ एक्स के रेस्पेक्ट हमने इसको खोला तो हो जाएगा जी ए माइन जी ए एच बी माइनस जी बी एच ए, तो इसकी वैल्यू ए की वैल्यू जो है वो है हमारे पास जी ए एच बी माइनस जी बी एच ए। इसी तरह से बी की वैल्यू जब जी एच के करस्पॉन्डिंग खोलेंगे तो यहां से हमारे पास एफ ए एच बी माइनस एफ बी एच ए आ जाएगा, इसी तरह एच एक्स के करस्पॉन्डिंग खोलेंगे तो एफ ए जी बी माइनस एफ बी जी आ जाएगा। तो इस तरह से ए बी एंड सी की वैल्यू हमारे पास है, ये कोई कॉन्स्टेंट है और इन कॉन्स्टेंट को हम निकाल भी सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारे पास ये फंक्शन आ गया। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं ये फंक्शन है क्योंकि एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स जो है ये जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम के हमारे पास जो फंक्शन थे उन्हीं कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि ये फंक्शन जो है ये डिफाइंड है ए और बी में एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स, तो एफ एक्स डिफाइन है जी एक्स डिफाइन है एच एक्स डिफाइन है, तो इस कंडीशन में पूरा टोटल एफ एक्स भी डिफाइन होगा। इस तरह से कॉन्टिन्यूस है एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है जी एक्स कॉन्टिन्यूस है एच एक्स कॉन्टिन्यूस है, तो एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस हो क्योंकि सम सम की कंडीशन अगर सम हो रहा हो तो उस कंडीशन में दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सम भी कॉन्टिन्यूस होता है। इसी तरह से अगर हम देखें डिफरेंशियबल तो यहाँ पे ये भी डिफरेंशियबल है डिफरेंशियबल है डिफरेंशियबल है, तो एफ एक्स भी डिफरेंशियबल होगा। तो फिर इसके लिए हम अगर हम रोले की थर्ड कंडीशन देखें, रोले की थर्ड कंडीशन क्या थी, रोले की थर्ड कंडीशन थी एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए बराबर एफ बी, अगर ये देखें तो हम ये कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई करा सकते हैं। किस तरह से करा सकते हैं, जब एफ ए बराबर एफ बी पुट करेंगे तो उसके बाद हम ए बी और सी जो कॉन्स्टेंट है इनकी वैल्यू हम इस तरह से निकालेंगे कि एफ ए बराबर एफ बी सेटिस्फाई हो रहा हो, तो रूले के तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। जब रूले के तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब हमारे पास एफ डैश सी इक्वल टू जीरो इस तरह का पॉइंट मिल जाना चाहिए जो सी में एग्जिस्ट कर रहा हो, तो यहां से हमारे पास सी हो जाएगा। अगर एफ डैश सी निकालना है हमें एफ डैश एट सी निकालना है तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा तो हो जाएगा एफ डैश और यहाँ पे एक्स जगह सी आ जाएगा, इस तरह जी डैश सी एच डैश सी ये हो जाएगा एफ ए जी ए
एच ए एफ बी जी बी एंड एच बी, क्योंकि जब जब हम डिफरेंशिएट करते हैं कि किसी मैट्रिक्स में, तो फिर इस मैट्रिक्स में हम एक रो का या कॉलम का डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक रो का हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये जो होगा इक्वल टू जीरो होगा, यही हमारे हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रूफ हो गया। अब हमें देखना है कि ये लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, सॉरी कोची मीन वैल्यू थ्योरम एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को किस तरह से इससे निकाला जा सकता है। तो पहले हम इसके हेल्प से कोची मीन वैल्यू थ्योरम निकालते हैं। तो कोची मीन वैल्यू थ्योरम निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लेट एच एक्स बराबर के, यानी एच एक्स को ये कॉन्स्टेंट ले लिया हमने, तो एच एक्स को कॉन्स्टेंट ले लिया, तो उस कंडीशन में हमारे पास एच एक्स, मतलब ये कह रहे हैं कि ये इसका कुछ स्पेशल केस है हमारे पास लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में और एक स्पेशल केस कोची मीन वैल्यू थ्योरम में। अब पहले हम जब कोची निकालते हैं तो हम एच एक्स बराबर के पुट कर लिया, तो एच एक्स बराबर के पुट कर लिया, तो यहाँ पे एच डैश सी इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि ये के कॉन्स्टेंट है और जो ये जीरो होगा, तो ये हर पॉइंट के लिए जीरो होगा, तो सी बिलोंग्स टू ये बी के हर पॉइंट के लिए जीरो होगा, तो यहां से हमारे पास सी बिलोंग्स टू ये बी के लिए एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहां पे एच डैश सी जीरो है, ये हमारे पास हो गया। तो यहां से हमारे पास हो गया एफ डैश सी इक्वल टू, अगर ये देखें तो एफ डैश सी ये कैपिटल एफ है और ये जी डैश सी ये हो गया जीरो, एफ ए जी ए एच ए एफ बी जी ए एच बी ये हो गया। अब अगर इसको हम ओपन करें, तो इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास यहां से आ जाएगा, इसको एफ डैश सी के करस्पॉन्डिंग ओपन करेंगे तो एफ डैश सी तो जी ए एच बी ये हो जाएगा जी ए डॉट एच बी माइनस, और यहां से हो जाएगा जी ए डॉट एच बी हो गया जी ए डॉट एच ए जी ए डॉट एच ए ये हो गया। अब फिर एच बी बराबर एच ए है, क्योंकि सारे कंडीशंस के लिए हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो जी ए ये इसको हम एक वैल्यू मान लेते हैं, सपोज ये है एम, एम यहां पर भी और एम यहां पर भी, तो एम को कॉमन ले सकते हैं, तो ये एम कॉमन आके ये आ गया हमारे पास यहां से माइनस जी बी और कॉमन में एम ये हो गया। अब इससे करस्पॉन्डिंग किया हमने जी डैश सी के, तो प्लस जी डैश सी, अब जी डैश सी के करस्पॉन्डिंग किया तो अब यहां से हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ ए डॉट एच बी, एफ ए डॉट एच बी यानी कोई कॉन्स्टेंट माइन एम जो हमने माना है ये हो गया, फिर यहां से एफ बी डॉट एच ए तो माइनस एफ बी डॉट एच ए, एच ए को भी हमने एम माना है तो एम को हमने कॉमन ले लिया है इक्वल टू जीरो। अब फिर ये हो गया, तो एम जो है पूरे इसमें से भी कॉमन है और इसमें से भी कॉमन है, तो एम पूरा कॉमन आ जाएगा और वो जीरो की तरफ चलेगा, यानी हम ये कहें कि माइनस सॉरी वन अपॉन एम का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में एम हट जाएगा यहां से, तो एम के हटने के बाद हमारे पास ये बच गया एफ डैश सी, और एफ डैश सी ये रहा हमारे पास इक्वल एफ डैश सी, और ये हो गया जी ए माइनस जी बी इक्वल टू माइनस जी डैश सी, और ये हो गया एफ ए माइनस एफ बी, तो ये हो गया, इधर गया तो माइनस का साइन था। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी निकालना है हमें, तो यहां से एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी निकालने के लिए तो एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, यानी जी डैश सी का हमने इधर डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास एफ ए माइनस एफ बी अपॉन माइनस का साइन यहां पर है और ये हो जाएगा जी ए माइनस जी बी, ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास, जो कि हमारे पास कोची मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। अगर इसमें हम क्या कर सकते हैं, हाँ फ्रेंड्स यहाँ पे जो साइन आएगा वो माइनस का साइन आएगा,
यहाँ पे माइनस का साइन आएगा तो यहाँ पे जाएगा तो इधर प्लस जाएगा, तो ये इधर प्लस रहेगा, यहाँ से ये हो गया हमारे पास, तो अब ये हो गया हमारे पास, यहाँ प्लस रहेगा। अगर इसको हम चाहे तो दोनों में से माइनस कॉमन लेके इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एफ बी माइनस एफ ए जी बी माइनस जी ए, जो कि हमारे पास फ्रेंड्स कोची मीन वैल्यू थ्योरम थी, ये कोची मीन वैल्यू थ्योरम थी, तो यहाँ से प्रूफ हो गया। अगर हम सेकंड अब देखें लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए, तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए क्या करेंगे हम, जी एक्स बराबर सिंपली एक्स पुट करेंगे एंड एच एक्स बराबर के पुट करेंगे, अगर जी एक्स बराबर एक्स पुट किया और एच एक्स बराबर के पुट किया, तो उस कंडीशन में जी डैश एक्स बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, वन, एंड एच डैश एक्स तो जीरो हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, यानी सी के लिए भी जीरो हो जाएगा, और इस साथ में हमारे पास जी ए बराबर ए और जी बी बराबर बी, ये हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू अगर हम यहां पुट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ डैश सी जी डैश सी, जी डैश सी देखे तो ये क्या है हमारे पास वन, हर एलिमेंट के लिए वन और ये जीरो, एफ डैश ए और ये हमारे पास जी डैश ए बराबर जी ए बराबर ए और ये किसकी वैल्यू क्या है के, ये हो गया। इस तरह से यहां से एफ डैश बी और ये हमारे पास बी और ये के, तो ये हो गया हमारे पास। अब अगर इसको हम ओपन करें एफ डैश सी के करस्पॉन्डिंग, तो फ्रेंड्स यहां से हम इसको ओपन कर रहे हैं या फिर यहां से ओपन करें या हम कहें जो हमने अभी जस्ट पहले जो कोची मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हमने जो ओपन किया था उसी में अगर हम देखें तो कोची मीन वैल्यू थ्योरम के लिए लास्ट फाइनल रिजल्ट क्या आया था हमारे पास, वो रिजल्ट आया था एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, ये रिजल्ट आया था। क्योंकि अगर उस मैट्रिक्स में अगर उस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स से हम कंपेयर करें जो मैंने कोचिंग मीन वैल्यू थ्योरम के लिए बनाया था, इन दोनों मैट्रिक्स में कंपेयर करें तो कुछ ही चेंज है, क्योंकि उसका जो मैट्रिक्स था हमारे पास सिंपली यहाँ पे जीरो एंड के एंड के, ये चेंज था बस मैट्रिक्स में फ्रेंड्स, ये चेंज था। तो अगर यहाँ पे देखें अगर जी ए और जी बी की जगह क्या है ए और बी, तो यहाँ पे अगर वैल्यू हम पुट कर दें जी बी की जगह बी तो यहाँ से बी आ जाएगा, और जी ए की जगह वैल्यू पुट कर दे ए ये आ गया, और अगर हम देखें तो एफ डैश सी तो एफ डैश सी है, जी डैश सी की बात करें तो क्या है वो वन है, तो ये वन हो गया, जी डैश सी वो वन है, तो यहां से हमारे पास जो हो गया एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू बी माइनस ए एफ डैश सी। तो फ्रेंड्स इसको या तो इसको सॉल्व कर लो या मैंने इसे सिंपली उसे कंपेयर करके ये रिजल्ट आ गया, जो कि हमारे पास लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का रिजल्ट होता है। तो इस तरह से हम जनरल मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से कोची मीन वैल्यू थ्योरम एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम दोनों को हम निकाल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।